टीवी की मशहूर अदाकारा अशनूर कौर को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है। वो अशनूर कौर जिनकी हर तरफ इन दिनों चर्चाएं हो रही हैं। जी हाँ, अशनूर कौर अपना म्यूजिक वीडियो मैं इतनी सुंदर हूँ क्या करूँ को लेकर हर तरफ छाई हुई है। हर कोई उनके इस गाने की तारीफ कर रहा है और उनका ये गाना ट्रेंड भी कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने एक्ट्रेस को इस गाने को लेकर ऐसा टॉर्चर किया कि एक्ट्रेस को सांस लेना मुश्किल हो गया। उन्हें ऐसी बातें बोली कि वो कुछ देर तक मुंह बंद करके कमरे में बंद रही। उन्हें कुछ लोगों की बातें ऐसी दिल को लगी कि वो घर से नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें अटैक पड़ गया। फिर क्या, वो ज्यादा देर चुप नहीं रह पाई और सोशल मीडिया पर खूब बरसी। अशनूर कौर अक्सर सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ लाइव सेशन पर बातचीत करती हैं, जहां वो लोगों के कई सवालों के जवाब बेधड़क होकर देती हैं। हाल ही में अशनूर कौर ने एक बार फिर से अपने चाहने वालों के लिए सोशल मीडिया पर लाइव आकर बातचीत की, जहां उन्होंने फैंस के कई सवालों के जवाब दिए। लेकिन एक यूजर ने ऐसा सवाल किया जिसके बाद अशनूर का मूड ही खराब हो गया और वो अपने आप को बेबस समझने लगी। उन्होंने उस यूजर को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। दरअसल जब सभी फैंस अशनूर के इस गाने की तारीफ कर रहे थे तो एक यूजर ने उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की। एक यूजर ने गाने को घटिया बताया, साथ ही उनकी एक्टिंग पर भद्दी टिप्पणी भी की। इस यूजर ने अपना सवाल लिखते हुए पूछा, तुमने क्या करूं जैसे घटिया गाने को क्यों किया, तुम्हें जरूरत क्या है, इसमें शारीरिक और किसिंग सीन की क्या जरूरत थी, तुम उसमें थकी हुई दिखाई दे रही हो, ऐसा तुमने क्या कर दिया। यूजर के सवाल ने अशनूर का मूड पूरी तरह से खराब कर दिया। उन्होंने उसकी क्लास लगा दी। इस ट्रोलर को जवाब देते हुए अशनूर ने कहा, पहली चीज तो ये गाना बहुत बढ़िया है और तुम्हें कहां से ये घटिया लगा, आपने कहां देख लिया इस घटिया सीन को, आपकी सोच और देखने में घटियापन है, अगर ऐसा है तो कृपया आप अपनी सोच बदल लें, वही आपके लिए अच्छा होगा। अशनूर कई फिक्शन शो कर चुकी हैं, लेकिन अब फैंस उन्हें रियलिटी शो का हिस्सा बनते हुए देखना चाहते हैं। अब फैंस ने जब से उनसे ये पूछा कि वो किसी रियलिटी शो का हिस्सा क्यों नहीं बनती, अशनूर ने कहा कि अभी वो अंडर एज है और अनुष्का सेन जैसे खतरों के खिलाड़ी 11 के लिए क्वालिफाई नहीं है। आपको बता दें, बहुत कम उम्र में टीवी जगत में वो मुकाम अशनूर ने हासिल किया है जो शायद बहुत कम लोग कर पाते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता। फेम एक्ट्रेस अशनूर कौर कई टीवी शोज का हिस्सा रही हैं। उन्होंने टेलीविजन पर झांसी की रानी और पटियाला वेब जैसे कई सीरियल में काम किया। सोशल मीडिया पर अशनूर की काफी अच्छी फैन फॉलोइंग भी है। अशनूर कौर सिर्फ टेलीविजन पर ही मशहूर नहीं है, बल्कि जन्नत और अवनीत कौर की तरह उन्होंने भी कुछ समय तक टेलीविजन से ब्रेक लिया और कई सिंगल्स में नजर आई। उन्होंने कोई नहीं, मेरी गलती, रेड येलो सूट जैसे कई सिंगल्स किए हैं। इसके अलावा वो फिल्म संजू और मनमर्जियों में भी नजर आ चुकी हैं। अशनूर ने बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की थी और आज वो बहुत कम उम्र में बड़ी सफलता हासिल कर चुकी हैं। आप भी एक्ट्रेस को लेकर कमेंट जरूर करें। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस मोना सिंह ने फिल्मों में एंट्री करने के लिए छोटे पर्दे से हमेशा के लिए दुनिया बना ली थी। 5 साल तक वो टीवी की दुनिया से दूर रही, ये सोच कर कि उन्हें एक न एक दिन पहचान जरूर मिलेगी। लेकिन उनका ये फैसला अच्छा साबित नहीं रहा, क्योंकि मोना सिंह को जो पहचान सीरियल से मिली वो फिल्मों से नहीं मिल पाई। बीमारी काल में लगातार काम के लिए जूझती रही मोना सिंह जल्दी क्राइम सीरियल मौका ए वारदात के होस्ट करते नजर आएंगी। इस सीरियल को इससे पहले सपना चौधरी होस्ट कर चुकी हैं। मोना सिंह की गिनती टेलीविजन के ए लिस्टर्स कलाकारों के रूप में होती है। डिजिटल दुनिया में भी उनकी पहचान अच्छी है और उनकी पहली वेब सीरीज ये मेरी फैमिली भी सुपरहिट रही है। लेकिन उसके बाद डिजिटल पर भी उन्हें अच्छे किरदार नहीं मिल पाए। टेलीविजन पर तो वो पिछले 5 साल से कुछ अच्छा करने का इंतजार कर रही थी, अब लौटी हैं तो एक क्राइम शो को होस्ट करने के लिए। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में क्राइम शोज आमतौर पर संघर्ष कलाकारों का घर चलाने के लिए मजबूत सहारा होते हैं। कई कलाकार काम पाने की पहली कोशिश इन क्राइम शो से करते हैं। पहले हो चुके अपराधों को इन शो के जरिए टीवी पर दिखाया जाता है और इनसे बहुत कुछ सीखा भी जाता है। ऐसे में शो की कास्टिंग डायरेक्टर से जरा सी पहचान यहाँ काम दिला देती है। इन क्राइम शोज के होस्ट की कहानी भी इससे ज्यादा अलग होती है। आज भी टेलीविजन के कई नामी चेहरे और फिल्मों के कई स्टार ऐसे ही शोज में काम कर चुके हैं। मोना सिंह का नाम भी अब इस लिस्ट में जुड़ गया है। चैनल का क्राइम शो मौके वारदात भी असल जैसा कुछ भी अब तक नहीं कर पाया है। इस शो की शुरुआत बहुत ही धूम धड़ाके के साथ बीजेपी नेताओं और एक्टर मनोज तिवारी, रवि किशन के अलावा सोशल मीडिया सेंसर सपना चौधरी के साथ हुई, लेकिन मामला जमा नहीं। उधर साल 2011 में छोटे पर्दे पर अपना
आखिरी सीरियल कवच करने के बाद मोना सिंह फिल्मों और वेब सीरीज में नाम कमाने चली गई थी। फिल्म थ्री इडियट्स में लोगों ने उन्हें पहले ही पसंद किया था, लेकिन कवच का काम बंद करने के बाद उन्हें वो खास पहचान नहीं मिली। उसके बाद वो फिल्म अमावस में नजर आई। उसके बाद वो फिल्म एक छोटी सी ईगो में भी काम कर चुकी है, लेकिन उन्हें खास नोटिस नहीं किया गया। अब उनकी सारी आस आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा पर टिकी है, जिसमें वो एक चरित्र भूमिका निभा रही हैं। मोना सिंह को इसके मुकाबले डिजिटल मनोरंजन जगत में काफी अच्छी पहचान मिली है। 3 साल पहले उनकी 2 वेब सीरीज कहने को हम सफर और ये मेरी फैमिली काफी चर्चित रही है। पिछले साल आई सीरीज ब्लैक वीडोज भी उनकी खास मदद नहीं कर पाई। मोना सिंह को इसी के चलते वापस लौट कर टेलीविजन में आना पड़ा। 18 साल पहले सीरियल जस्सी जैसी कोई नहीं में अपने करियर की शुरुआत करने वाली मोना की एक समय में तगड़ी फैन फॉलोइंग हुआ करती थी। 29 साल की हो चुकी मोना सिंह ने अभी 2 साल पहले ही शादी की है। लॉकडाउन की वजह से पति के साथ घर में रहकर खूब टाइम स्पेंड किया। मोना ने बताया कि उनके पति घर के कामों में उनकी मदद करते हैं। मोना ने बताया कि मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसे पति मिले, मुझे इतना समझने वाले, हर वक्त साथ देने वाले। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार और उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसद रवि किशन की खबर से तो सबकी सांसें ही रुक गईं। रवि किशन ने कुछ ऐसा कहा कि पूरी इंडस्ट्री को धक्का लग गया। दरअसल रवि किशन ने भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है, एक ऐसा फैसला जिसके बाद तो इंडस्ट्री में हड़कंप भी मच गया। लोग अपनी लाचारी के बारे में सोचने लगे। भले ही लोग इस फैसले के बाद लाचार महसूस करें, लेकिन रवि का ये फैसला एक अच्छी शिक्षा भी है। रवि ने गलत सोच और गलत काम पर रोक लगाने की कोशिश भी की है। आप भी इस फैसले के बाद अपनी राय जरूर देना चाहेंगे। दरअसल रवि ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री सहित उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर भोजपुरी फिल्मों और गानों में अश्लील कंटेंट बैन करने की मांग की है। रवि का कहना है कि ऐसे कंटेंट की वजह से लोगों का ध्यान आकर्षित होता है, लोग गलत सोच की तरफ जाते हैं, बच्चों और परिवार पर बुरा असर पड़ता है, लोग अपने परिवार के साथ इन फिल्मों को देख नहीं सकते। जो बात पहले थी एक साथ फिल्में देखने की, वो अब खत्म हो गई है। कहीं ना कहीं इन अश्लील कंटेंट की वजह से परिवार अलग होता जा रहा है, लोग अपनों से दूर होते जा रहे हैं और शायद परंपरा भी खत्म होती जा रही है। नहीं, ऐसे कंटेंट की वजह से कई फिल्मों का फायदा भी हुआ है। मेकर्स अपने फायदे के लिए बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, नई जनरेशन पर बुरा असर देखा जा रहा है और सब कुछ इंडस्ट्री में खत्म होता जा रहा है। रवि की इस खबर के बाद कई मेकर्स और स्टार्स को झटका लग गया कि अगर ऐसा कंटेंट यूज नहीं किया गया तो फिल्में टॉप पर नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि आज के लोग ऐसे ही फिल्में देखना पसंद कर रहे हैं और सब पीछे होते जा रहे हैं। इसलिए रवि के इस फैसले पर कई लोग निराश भी हैं, क्योंकि उनके करियर और कमाई का भी सवाल है। अगर ये फैसला मंजूर हुआ तो सबकी सांसें अटक जाएंगी, और अगर नहीं हुआ तो रवि तो उस फिल्म में या गाने में काम ही नहीं करेंगे जिसमें ऐसा कंटेंट इस्तेमाल किया जाएगा। पहले आप रवि के इस फैसले के साथ हैं या फिर लोगों की कमाई के साथ? आप भी अपनी राय जरूर दें।